नमः शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि बृहस्पतिवार अनुराधा नक्षत्र जिसके नक्षत्र स्वामी शनि देव हैं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि के राशि स्वामी मंगल देव हैं। आज के जन्मे जातक दृढ़ निश्चयी, उत्साही, धैर्यवान, यात्रा प्रिय और विभिन्न खाद्य पदार्थों के शौकीन होते हैं। गुप्त कार्यों में विशेष निपुण, शोधकर्ता, धार्मिक और आस्थावादी भी होते हैं। प्रतिशोध की भावना इनके अंदर लंबे समय तक बनी रहती है। यदि सहयोगी लग्न रहा, शनि और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज से एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि मंगल का योग गठित हो गया है। धनु राशि के ऊपर यह योग 3 मई तक चलेगा। शनि मंगल का यह योग कुछ व्यक्तियों के लिए योग कारक होगा, मगर कुछ जातकों के लिए यह शुभ नहीं होगा, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी और कैरियर संबंधी समस्याएं संभावित हैं, जैसे शारीरिक कष्ट, मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं, ज्वाइंट पेन, फोड़ा फुंसी, अंदरूनी घाव, एक्सीडेंट, शरीर से रक्त निकालने का योग बनता है, ऑपरेशन या इसकी पुनरावृत्ति, चेचक इत्यादि। योग कारक अवस्था में इंजीनियरिंग या तकनीकी कार्य में योगदान और उसमें आगे बढ़ाने प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। ये सारी बातें निर्भर करती हैं कि आपकी दशा कैसी चल रही है और आपकी कुंडली में ग्रहों का योगदान कैसा है। निदान में अपने इष्ट देव की आराधना बढ़ा दें और अपने स्वास्थ्य और सहकर्मियों से सावधानी बनाए रखें। अवसर मिले तो रक्तदान अवश्य करें। मेष राशि के लिए आज चंद्रमा 8वें घर में नीच राशि में चल रहे हैं। पारिवारिक सुख शांति में कमी महसूस होगी, मानसिक संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी, बातों के बुरा मानने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मन में नकारात्मक विचार ना लाएं। अधिक प्रयास करने के बाद भी काम रुक रुक कर होगा, आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी, साझेदारी में लाभ संभव है, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, परिवार में अनबन की स्थिति बन सकती है, अपने सुख सुविधाओं पर खर्च की स्थिति बनी रहेगी, साथ ही गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, छोटी यात्राओं का योग बना हुआ है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की जरूरत है। वृष राशि के जातक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, छोटी मोटी दिक्कतों में भी सावधानी आवश्यक है, नई कार्ययोजनाओं के लिए समय अनुकूल है, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, हर काम मन मुताबिक पूरा होगा, मगर पारिवारिक चिंता बनी रहेगी, मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए व्यावसायिक उत्थान और नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है, साझेदारी के कामों में हाथ ना डालें, आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, आपकी ऊर्जा स्तर बरकरार रहेगी, नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें, मन थोड़ा अशांत रह सकता है, खाने पीने में सावधानी बरतें, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए मानसिक चिंता और मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभावित है, उत्साह में थोड़ी कमी महसूस होगी, व्यावसायिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं, मगर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, धैर्य के साथ काम करते रहें, भावावेश में ना आएं और किसी बात को लेकर हठी ना बने, शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, न्यायालय या संबंधित कामों में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। सिंह राशि के जातकों का ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित हो सकता है, व्यवसाय की योजनाओं में रुकावट या हेरफेर संभावित है, महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें, मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा,
मगर आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। पारिवारिक तनाव की स्थिति संभावित है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। कन्या राशि वाले जातक अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करें, सफलता मिलेगी। नई कार्ययोजनाओं के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है। अपनी दिनचर्या में योगा व व्यायाम को शामिल करें, अनुकूलता मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आँखों व पित्त से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मन में उठ रहे अंतर्द्वंद से आपका ऊर्जा स्तर प्रभावित रहेगा। अपनी योजनाओं में वाद विवाद से बचें। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। आर्थिक और व्यावसायिक उतार चढ़ाव संभावित है। आज का दिन पारिवारिक चिंता में उलझा रहेगा। आपके परिश्रम के अनुसार आर्थिक लाभ का प्रतिशत कम रहेगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आय से अधिक व्यय की स्थिति संभावित है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सकारात्मक ऊर्जा स्तर में कमी महसूस होगी। मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपकी योजनाएं निर्बाध गति से चलती रहे, इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। सकारात्मक प्रयास करते हुए अपनी योजनाओं को गति देनी होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। आर्थिक लाभ से अधिक व्यय अनुमानित है। आसान कामों में भी रुकावट संभावित है। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आँखों व दांत की समस्याएं संभावित हैं। धनु राशि वाले जातकों को कार्य से संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। संतान व शिक्षा पर व्यय अनुमानित है। व्यावसायिक योजनाएं बलवती होंगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। उत्तेजना में आकर किसी से टकराव की स्थिति ना पैदा होने दें। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं। निर्माण संबंधी कामों में सहयोग मिलेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। शनि और मंगल का योग आपके 12वें घर में बन रहा है। आँखों से संबंधित और दांत से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अतिरिक्त कार्यभार महसूस करेंगे। किसी से अनावश्यक उलझना उचित नहीं होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी, मगर पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों को आज का दिन लाभदायक माहौल पैदा करेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में लाभ मिलेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। व्यावसायिक योजनाओं में साजिश से बचना होगा। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको खुद रखना होगा। मीन राशि वाले जातकों को सक्रियता और आत्मविश्वास में भ्रमात्मक स्थिति बनी रहेगी। अपने ही कामों पर संदेह की स्थिति संभावित है। व्यावसायिक गति धीमी हो सकती है। सुचारू ढंग से निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।